अभी आप अर्जुन कुमारों के बच्चे की चौथी टॉपिक दृष्टि वृत्ति को कैसे पवित्र बनाया जाए वह सुनाते हैं। अर्जुन कुमारों को इस सब्जेक्ट में जरूर पास होना है। ज्योत दृष्टि वृत्ति न कहते भी दिल्ली के तरफ जाती है। बाबा ने आपको इस प्रवृत्ति में क्यों बिठाया है? इस सेवा के लिए कि आप सैंपल बनो, दुनिया वालों के लिए आप सैंपल है। दुनिया वाले कहते असंभव, आप उनको संभव कर दिखाओ। शोकेस में शो पीस रखे जाते हैं, जिसको ग्राहक देख खरीद करे। तो बाबा ने आपको बनाया इसीलिए है कि आपको देख और भी ऐसे बने। सन्यासी तो घर बार तो जंगल में चले जाते हैं, यहाँ आग कपूस कथा हो और सिंपल दिखावे। तो आप लोगों को इस बात में कच्चा नहीं होना चाहिए। कई कहते हैं घर में हम शोकेस में शो पीस रखे जाते हैं, जिसको ग्राहक देख खरीद करे। तो बाबा ने आपको बनाया इसीलिए है कि आपको देख और भी ऐसे बने। सन्यासी तो घर बार तो जंगल में चले जाते हैं, यहाँ आग कपूस कथा हो और सिंपल दिखावे। तो आप लोगों को इस बात में कच्चा नहीं होना चाहिए। कई कहते हैं घर में हंस बगले कट्ठे रहने से खिटखिट होती है। बगले का काम है गंद खाना, मछली खाना। कौआ भी गंद उठा के यहाँ वहाँ फेंकता है। कौए के लिए कहेंगे क्या कि कौआ आवे या गंद उठावे? वो तो गंद पराई रहेगा। इस रीति आप कहो ये हमको गाली न देवे, ये आप कैसे पहले सोचो कि मेरा साथ क्या इनका साथ क्या, फिर बताओ आप घबराएंगे पत्नी बच्चों से? कोई तो कहते हैं हमारी पत्नी ज्ञान में घर में हंस बगले कट्ठे रहने से खिटखिट होती है। बगले का काम है गंद खाना, मछली खाना। कौआ भी गंद उठा के यहाँ वहाँ फेंकता है। कौए के लिए कहेंगे क्या कि कौआ आवे या गंद उठाए? वो तो गंद पराई रहेगा। इस रीति आप कहो ये हमको गाली न देवे, ये आप कहते पहले सोचो कि मेरा साथ क्या इनका साथ क्या, फिर बताओ आप घबराएंगे पत्नी बच्चों से? कोई तो कहते हैं हमारी पत्नी ज्ञान में नहीं चलती। तुम तो चलो, तुम ठहरती कला वाला न बनो। जो ठहरती कला वाला होगा वो योग की शक्ति भी कैसे देगा? लक्ष्य तो अच्छा है, परंतु इसी चिंता में न रहो कि पत्नी ज्ञान में चले। तुम तो चलो, ये आए हो या बनाने लिए? कई कहते हैं घर वाली में बुरी दृष्टि नहीं जाती और स्त्रियों को देख गोलदार आदि को देख मन जाता है। तो कुछ समय क्या करना चाहिए? अपने बुद्धि को सर्विस के प्लेयर्स बनाने में विधि रखना चाहिए। यह सोचो कि बाबा ने हमको कौन सी ड्यूटी दी है। आप भ्रष्टाचार को मिटाने का इंस्पेक्टर हो, देखकर हो तो सर्विस का प्लान बनाओ। तो क्या होगा, लोक अलोकता में परिवर्तन हो जाएगा। सर्व क्लब को तेज करो, या सर्विस का प्लान या व्यर्थ संकल्पों को शुभ संकल्पों से कट करो। उसमें 10-20 पॉइंट निकाल। गुरु कहते हैं दफ्तर का वातावरण ऐसा है। बाबा कहते हैं तुम तो मास्टर तो शक्तिवान हो, तुम्हारे से तो अगरबत्ती अच्छी। जो यह तो नहीं कहती कि मैं बदबू को कैसे दूर करूं, तो कौन आगे हुआ? वो हमारी रचना है। अगरबत्ती रचना में ये गुण है, तुमने तो ठेका उठाया है,
पांच तत्वों को भी बदलने का। वो गुरु कहता है तो मैं क्या करूं? ये भी कमजोरी का संकल्प है। हम ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण होते हैं वो भले खाने को तत्व तो क्या देखते भी नहीं। ब्राह्मण मांस मदरा खावे तो ब्राह्मण नहीं, तो तुम भी ब्राह्मण होगा इसलिए शरीर मांस को तत्व नहीं कर सकते। कहते हैं इंद्री शोधित है इसलिए व्यक्ति चंचल होती है। अरे एक हाथ से ताली बजती है क्या? पुरुष कहे मैं स्त्री के वश हो जाता। अज्ञान काल में भी ऐसे कोई कहे तो कहेंगे ये तो पुरुष को स्त्री पीछे लगू हो जाता है। अभी तो आप पुरुष शक्तिमान बाप के बच्चे होता ये बात कैसे कर सकते? तो दोष अपना और कैसे स्त्री के लिए? शरीर के हिसाब से भी पुरुष बलवान स्त्री दुर्बल होती है। स्त्री 10 वर्ष मार खाकर अपने को बचाती है तो पुरुष मार खाने से डर जाते। गांधीजी की हिस्ट्री सुनो, स्त्रियों में इतनी ताकत और पुरुष कमजोर क्यों? हाँ भाई भी होंगे परंतु माताएं ज्यादा है। पुरुषों को इस बात में फील नहीं होना चाहिए। सांप को तुम देखते हो, बुरी को देखो, सांप तो जरूर काटेगा, प्यार करेगा क्या? बुरी मत है ना वो बल्कि न्यारी आत्मा को देखो और देखते हो नामुक को तो ये श्रीमत की उल्लंघना करने का होता है। जैसी स्मृति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। आत्म अभिमानी पड़े का चश्मा पहनेंगे तो सिर्फ आत्म अभिमानी दिखाई पड़ेंगे। आत्म देहमान का चश्मा तो देह दिखाई पड़ेगी। पुरुषार्थ यही जो आपको से सीखने वाली चीज है उनको सीखते हुए न देखो। जो इन आँखों से नहीं दिखाई पड़ती है उनको देखो। अर्थात लोग को अलोभता में लाओ। आज अपने वृत्ति दृष्टि को इतना शुभ प्रदान स्वच्छ बनाओ जो सुख में भी न आए, सुख बच्ची में कंप्लीट होकर जाना। जो कहते हैं पता नहीं, पता नहीं उसका पता ही कट जाएगा। सारी सृष्टि की आज मध्य अंत का पता है, त्रिकाल गति है। त्रिकाल गति की त्रिकाल गति कहे हमें पता नहीं तो वो त्रिकाल गति कहेंगे। हमें तो ये संकल्प करो कि हम अनेक बार विजयी बने हैं। पता नहीं हम कलप पहले दास बने हो, ऊंची चोटी वाले का बच्चा होगा ये संकल्प क्यों करे कि हम दास बनूंगा? ये संकल्प करे कि मैं मास्टर सशक्तिमान, मैं कलप पहले वाला अपने ब्राह्मण परिवार में आ गया हूँ, ब्राह्मण रूपा पहुंच गया, गावा के घर आ गया हूँ, विशेष आत्मा बन गया। तो संकल्प हमारा ऊंचा चाहिए। नील पावर वाला डाला जाता है तो कम लोग हमारा एक शब्द संयुक्त व दूसरों पर सत्य हो, श्रेष्ठ हो, कमजोर न हो। कमजोर करवा बीज न डाल देना, फिर तो ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ देख करेगा। इसका गंदगी को 2500 वर्ष तक देखे गयी नहीं। यह दृढ़ संकल्प करो, ये स्थिति लगा रूप है, इसको सब बात में साफ आनंद होना है। तो बुरी दृष्टि वृत्ति को सभी दृष्टि वृत्ति बनाई जाए। और ये बुरी दृष्टि क्यों होती है उनकी भी 4 बातें हैं। एक सुंदरता, दूसरा गुण, तीसरी कला, चौथा ताकत। अगर इन 4 बातों में देखो तो ये 4 बातें बाबा से ज्यादा सिद्ध से मिलेगी। पहला सत्यम शिव सुंदरम, एक तो सुंदरम और
वो भी अनुनाद की सुंदरता। गुरु ने देखो गुरु का सागर ही का दादा, और जिसमें एक गुरु होगा वो भी वो गुरु देने वाला दादा है ना। वो आत्मा भी समझता है दादा को भी, तो जो गुरु का दाता है सागर है उससे ले ले। कला में देखो दादा में ये विशेषता, बच्चे से बच्चा गरीब से गरीब बन जाता, सुनी कहते मेरा बाबा। कला के रूप में सबको प्यार देना यह भी आत्मा में हो सकती है। और प्राप्ति एक ही जन्मों का ठेका, एक बात तुम सबको देगी जो भी है जैसी है सर्वे को नहीं जाता। ऐसी प्राप्ति और कोई करा न सके। सभी बातों में बाबा याद आए, जब किसके गुरु का आकर्षक हो तो बाबा को देखो। जब ऐसी स्टेज होगी तो पांचवा खुदी में आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो यह सब कंप्लेन खत्म हो कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा अब सुनिए दूसरी ताकत, व्यर्थ संकल्पों को संगत संकल्पों से परिवर्तन करने की युक्तियां। आज विशेष प्रोग्राम का संपन्न दिन अर्थात संयुक्त संपन्न बनाने का दिन है। क्यों? वर्षी का अर्थ है परिवर्तन होना, कुछ मिटना कुछ गलना अथवा कई बातों में बढ़ना। तो बढ़ना भी है, मिटना बदलना और साथ साथ छोड़ना, यह है बच्ची का अर्थ। इन तीन दिनों में जो कहना होती भी आदत मिट न सकी, कहती हुई थी पुराने संस्कार बार बार अपनी तरफ वशीभूत करते रही है, उस आदतों व संस्कारों को मिटाना है। बीती हुई बातों को याद करने के तो अभ्यास ही है, यही सबसे बड़ा विघ्न है जिस कारण उन्नति नहीं कर पाते। इसके लिए ये युक्ति रखनी है बीती हुई बात अर्थात 5000 वर्ष के लिए कब्र दाखिल हो गई, उसको बार बार सोचते है तो इसको क्या कहेंगे। मम्मा कहती थी कि 1-2 साल का बुढ़ा कब्र दाखिल किया हुआ हो उसको देख कोई कहे कि ये कैसा अच्छा था, इसकी आंख कितनी अच्छी थी, तो उसको कौन सी लिस्ट में गिना जाएगा। वो पागल कहेंगे। वैसे कोई भी बीती हुई बात को याद कर कहे फलानी ने ये कहा तुमसे क्या होगा, खुशी तो नहीं होगी और दुख होगा। तो जैसे बोलती हूँ सोचने से उल्टा आ जाएगा क्या, सोचते रहेंगे तो क्या होगा, खुद भी कम हो जाएगा। तो इसके बजाय ये सोचो कि हम विशेष आत्माभूत सुन सकती हूँ बाप का दूरे रतन सिटी लगा बच्चा हूँ। सिटी लगा कहाँ लटका हुआ है, 5000 वर्ष के मुद्दे को जो दर्शन किया हुआ है ऐसी बातों को याद कर रहा है, तो अब ऐसी बात से ही मानना है। और मिटना किसमें है, देवभगवान में बाजी कांस्टर उष्णता में मिटना है। और जब बाजी कांस्टर उष्णता में है तो बुरी दृष्टि भी जाती है, भाई भाई आत्मा की दृष्टि रखनी है, भाई बहन में भी कई बातें हो जाती है। आत्मा भाई भाई के नाते से शरीर के भान उष्णता को मिटाना है। मैं सविस्तर हूँ, ब्रांडन बुद्धि हूँ, मेरी आधासी चिंता चल रहा है, इन सब हद के अधिकार करके बचना है।
और मरना भी है, अर्थात परिवर्तन भी करना है। आज से प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प तो कर लिया। कोई कहे छह मास में ये बात छोड़ दूंगा, हमको ऐसी बात नहीं करती। बाबा कहते हैं जो धर्म को मरते वो महाप्रसाद, दूसरा से मरना महाप्रसाद नहीं। काली के मंदिर में जाओ, दूसरा के मरे वो देवी स्वीकार नहीं करती। तो हमारा श्री बाबा भी दूसरा के मरने वाले को स्वीकार नहीं करते, माँ भी स्वीकार नहीं करती। माला भी दो प्रकार की, एक 108 की, दूसरी 16108। हर नंबर की माला है 9 लाख। कोई नजर जरूर आएंगे गेट पास तो सबको मिली है, परंतु इसलिए कुछ नहीं होना है। गेट पास तो पैसा को भी मिलेगी, हमको देश पद की प्राप्ति के हिसाब से सब देखना है। 108 माला का गायन है, 16,000 की माला वांगे में है, वो तो कभी कभी मन के ऊपर हाथ जाएगा। 108 के माला को तो दिल में कितना वाली हाथ जाएगा। तो हमारा पुरुषार्थ स्पष्ट का है, ये रूप लाख तो पांच रूप है, संगम जब श्रेष्ठ है तो स्वस्थ पुरुषार्थ को अपने आप को ठीक करो। ईश्वरी बल भरा श्री बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान लिया, सर्व शक्तियों में से एक भी शक्ति की कमी रही तो भी पेपर में बात नहीं। मानो 7 शक्ति है, एक बचने की शक्ति नहीं, और वो भी पेपर आवे तो बात तो नहीं हो सकेंगे। हमारी महिमा है सर्वगुण संपन्न, गुण संपन्न नहीं, सोलह कला, ये फाइनल स्टेज की महिमा है। ये हमारी डिग्री है, तीन तक इष्टमल विद्या में ये डिग्री होती है। तो हमारी 5 बातों की डिग्री है, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, अहिंसा कर्म ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम, ये है इस पढ़ाई की संपूर्ण डिग्री। डिग्री है सर्वगुण संपन्न, मैं बना हूँ गुरु संपन्न, डिग्री है संपूर्ण निर्विकार, संपूर्ण माना ही संपूर्ण, सुपन में भी संकल्प में भी वो संस्कार इमर्ज न हो। सत्र में जैसे इच्छा मात्र अविद्या, वैसे वहाँ विकारों के बारे भी अविद्या, जैसे यहाँ ताला को वहाँ देवी के सपन भी क्यों आते, अलग अलगपन है। भले संकल्प भी न था परंतु जैसे श्रीमत है चावल कोई जात अपने पाप पुण्य बाबा के आगे अर्पण कर तो उसमें अलग अलगपन है। श्रीमत में जरूर कमी रहती है, जिस कारण ये सामने आता है तो देखना है हमने भी डिग्री कहाँ तक ली है। कहते हैं पहले तो हमको बहुत खुशी थी, अभी वो खुशी नहीं रही है, सुन आता है खुशी सुन गए। पहले तो एक बाबा दूसरा मैं दूसरा न कोई, भगवान मुझे मिल गया उस खुशी में काफी अनुभव होता था। सौदा तो पक्का कर लिया, इससे नेत्र द्वारा देख पाल कर सौदा किया तो पहले मगन अवस्था, पत्थर बुद्धि से पाक बुद्धि बन गए, उस खुशी में लोक लाज कुल की मर्यादा भी टूटी, पढ़ाई का नशा करा, फिर सबसे सबसे संग दोष लग रहा। जैसे पहले बच्चा अपने में मस्त रहता है तो दोस्तों में क्लब आदि में वृत्ति कला में आता है ना, तो यहाँ भी पहले नशे में फिर गुस्से क्या हुई उसकी गलियों में चले गए, जिससे मन पर बनी नहीं। बाबा मन करते इन उसकी गलियों में न जाओ, जैसे किसको मन करो
कि ये काम न करो तो कहेंगे सिख तो सही क्या है, जैसे यहाँ पर्चा लगावे तो कहेंगे सिख तो सही कहना पर्चे में क्या है। इस रीत से ये आदत पड़ जाती है तो श्री मत पर न चल पर मत पर चल पड़े। होता क्या है कि उसके गलियों में जाने से रास्ता मिलता नहीं, प्राप्ति नहीं, जहाँ प्राप्ति नहीं तो वो छोटा रास्ता भी तो बड़ा रास्ता बन जाता। एक तो रास्ता न मिलने से थकावट हो जाती, दूसरा सतगुरु के निंदक बन जाते। तो खुशी जो होनी चाहिए जो भी होती, तो कारण क्या हुआ कि उसकी गलियों में जाने कारण और श्रीमत पर न चलने कारण न राम मिला न माया। माया बहुत बन जाएगी क्योंकि सबसे एक रस अवस्था इसलिए नहीं होती, एक के रस में नहीं रहते। अगर एक रस अवस्था न रही तो दूसरे तो रस है वो कौन से, कोई अनुमान, ईशा, हस्तक्षेप, तानाबाजी, परचिंतन। परचिंतन वाले खुद बनाएंगे, परचिंतन वाला नाद घर बताता है। नाद का दो बातों का गायन है, नाद मुद्रा, नाद सूत्र का भी गायन भगवान का संदेश दिया देता था। तो ऐसे गल बताने वाले आए उनको तो टीका डालो। दूसरा इंद्रियों का रस, जीव रस, आँखों का रस, समाचार सुनने का रस, खासी समाचार सुनना ये भी रस। कोई रस में आकर्षण क्यों हो जाते, क्योंकि आपने अपन को बिजी नहीं किया है। फिर सब है आपको, जो फ्री होता है वो क्या करेगा, जिन मात्र अपने को काम में लगा, अपनी बुद्धि को बिजी रखो। व्रत संस्था भी क्यों आते हैं, बुद्धि को खाली रखते हो। अगर संगत संगत है तो व्रत संगत आवे दे देगी, उसका अभ्यास नहीं, मन शक्ति नहीं। कई प्रदर्शन करता चलाते, सुदर्शन करता चलाना आता नहीं, तो जरूर प्रदर्शन करता चलेगा, बुद्धि कहाँ तो जाएंगी ना। जब सुदर्शन करता चलेगा तो प्रदर्शन करता ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सुदर्शन करता से पाप कटेंगे, प्रदर्शन करता से पाप करेंगे। तो संगत संकल्प अर्थात शुभ संकल्प। अब स्वदर्शन संकल्प कैसे चलाए, ऐसे नहीं फिर भी रखते ही रहे। सत्य बने हम सोलह क्लास संपूर्ण, वहाँ आठ जन्म, एक धर्म, एक राज्य, चलो उसमें पाँच मिनट, फिर त्रेता में पाँच मिनट, फिर द्वापर में आए उसमें तीन मिनट, बस बीस मिनट में चक्कर उतरकर पूरा किया। तो सारा दिन यही रखते रहो, ये तो एक तोते मात्र रखना हुआ, ये हो गया सिमरन। परंतु हमको तो रहना है स्मृति में, सिमरन तो अलंकार के लिए होता है, स्मृति लंबी चल। तो स्मृति का अभ्यास करना है, स्मृति में रहना तो सबको आता है ना। जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अभी आप यहाँ क्लास कर रहे हो, कोई ऐसा संदेशा ले आए, आपकी बीवी मर गई, तो आपका चेहरा ही बदल जाएगा, डायरी गिर जाएगी, बीवी घर सब याद आ जाएगा। तो आपको बदला दिया ना, कोई अपने आप हंस रहा है जैसे है किसी के साथ में हंस रहा हूँ, कोई बीच में आकर तोड़ेगा तो उसको कहेंगे के बात को तोड़िया। तो हमारी आत्मा में चौरासी जन्मों का पार तो बुरा हुआ है, तो जब आप सत्य को याद करो तो उस सुख में डूबी जाओ, लवलीन हो जाओ, हरेक जगह की विशेषता में डूब जाओ, स्वरूप बन जाओ। जब शांति बात को याद करो अच्छे रूप में चले जाओ, ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्योति बिंदु रूप हूँ वहाँ पहुँच जाओ। अच्छा सत्य की स्मृति नहीं आती, वो संस्कार
की मुलाकात की, ब्रह्म जीव की प्राप्ति उसी में चले जाओ। जैसे जीवन में जब कोई सुख होता है तो मधुबंधन करने लिए सिनेमा में चले जाते, वहाँ नावल पढ़ते या क्लब आदि में चले जाते हैं, तो हमारा भी सिनेमा नावल क्लब क्या है? ये यज्ञ की मुक्ति नावल है। बाबा के चरित्रों को याद करो, यही हमारा सिनेमा व क्लब है। कोई ऐसी उत्सुक हो तो थिएटर पर वास्तविक चले जाओ। कई प्रकार की युक्तियाँ हैं, एक न करो तो दूसरी करो। जैसे बुखार में एक गोली असर न करे तो दूसरी गोली लेते हैं, तो आज भी इतना अटेंशन रखो, सिर्फ अलग वेले न बनो। दो गलत के तकिए रख तो न जाओ, जिन सोया जिन खोया, तो व्यर्थ संकल्पों से बचने का मुख्य यही तरीका है। एक स्मृति स्वरूप, दूसरा मनोरंजन, तीसरा तरीका है बोली। रोज बोली जो सुनते हैं उसमें क्या करना चाहिए? जैसे आज के बोली में बाबा ने लक्ष्मी की पाठ सुनाए कि मैं ईश्वरी संतान हूँ, यह दशा रखो। अब इसका विस्तार करो, एक ईश्वरी संतान, दूसरी आपकी संतान, दोनों का काम प्राप्त करो, नहीं तो हो जाएंगे। खुद की तरफ अपने आप को होम वर्क दियो। आज हम इस सत्तर 25-30 पॉइंट निकालेंगे तो आपकी बुद्धि दूसरी बातों में जब जाकर होम वर्क में चली जाएगी तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। फोन इंगेज है तो दूसरा डिस्टर्ब न करेगा। जब एक तो बुद्धि बिजी होती है तो दूसरे को बुद्धि देता है। तो मथन भी कैसे करना है? खुशी की पॉइंट निकालना, निर्जनित अवस्था की युक्तियाँ निकालना और अपने को होम वर्क कैसे देना है यह भी बतलाया। बोली है मूल आधा, मूल आधा नहीं तो मथन नहीं। पहले बोली से प्यार, तभी मनन शक्ति आएगी। अब कोई पॉइंट को मथन करने के लिए भी पांच शब्द याद रखो, क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ। कोई भी ताकत पर भाषण करना व विस्तार करना इन पांच शब्दों से होता है। जैसे शिवरात्रि पर भाषण, सारा दिन इस विस्तार में रहो तो व्यर्थ संकल्प अनेक रस दसम हो एक के रस में आ जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को संगत संकल्पों से विदा, अनेक रस से निकल एक पाप के रस में रहे, जिसको कहा जाता है एक रस अवस्था। जिसके लिए ही ये युक्तियाँ है, एक के रस में रहेंगे तो दूसरे का रस मिल जाएगा। जो एक के रस से निकल दूसरे रस में जाते तो वो रस नहीं रहता। रावण के दसवें कार कौन से? एक पांच विकार, दूसरा पांच तत्वों पर भी विजय। यह दस विकार है, इन पर विजय पानी है। जैसे गर्मी में तंग हो जाते उन पांच तत्वों पर भी विजय पहनी है। तो पांच विकार पर विजय पहनने से विजयी नहीं, पांच तत्व भी तो फेंकते हैं, इस पर भी विजय पहनी है। अच्छा, अब यह तो सुनाई अर्जुन कुमारों के बच्चे की पॉइंट। अब सुनिए कुमारों के बच्चे की पॉइंट, जिसकी ताकत है सर्वोत्तम 16 क्लास संपूर्ण बनने की डिग्री लेनी है। हम है श्री बाबा के रसन, बाबा कालस तो कंगा है, रसन तो है परंतु ऐसी कालस हो जो दूर दूर से लोग हमको देखने आवे। बच्ची का अर्थ ही है फुल कालस, पत्थरों को ऐसी प्रेरणा मिले
जो रत्न बन जावे, उस अकालत का व्यक्ति का सूत क्या है? सरद संतन सुरखला संपूर्ण संपूर्ण विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहंसा परमो धर्म। पहली बात है सरद संपन्न गुरु कहते हैं, और तो सभी गुरु है, एक गुरु नहीं। टाइटल लेना है सरगुण संपन्न, गुण संपन्न नहीं तो ऐसा सरगुण संपन्न कैसे बने? सर्व गुण का मूल आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता का यह अर्थ नहीं मुख से कुछ न बोले, परंतु अंदर जो यदि संस्कृत के तूफान आ जाते हैं उससे अंतर्मुख। अंतर्मुखता की परिभाषा क्या है? कहते हैं मुख रेखे, मुख रूपी या चार मुख्य शक्तियाँ है, सोचने की, देखने की, बोलने की, सुनने की। ये इससे सारे अंग का भाव बताता है। आत्मक स्थिति में स्थित होकर इस शक्तियों को यूज करें, इसको ही कहते हैं अंतर्मुख। गुलाम मालिक का मानेगा, गुलाम गुलाम का थोड़ी मानेगा। इस रीत आत्मा अपनी आत्म स्थिति में स्थित होकर आदर करे तो जीव का होगा, ऐसे नहीं सोचने की शक्ति समृद्ध के बजाय व्यर्थ सोच ले। इसके लिए अपने ऊपर हैंडलिंग पावर चाहिए। हैंडलिंग पावर उसमें होगी जो जीव पर स्थित होंगे। जीव कहाई अंतर्मुखता। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी, दुखी खाने वाला सदा दुखी, अज्ञानी का होता दुख हमारा सूक्ष्म दुख। अंदर ही अंदर मूझा हुआ हो यह भी तो सूक्ष्म दुख है ना। गुरु कहते हैं हमको खुशी नहीं, अंदर सुना तो सुनाता है, वो दुख भी नहीं जो हाय हाय करे। जैसे एक होते हैं मोटे का दूसरे उसके पास बचे तो दुख का महीन रूप न छेदावा की याद न माया का रूप। वास्तव में ये सिर्फ सूक्ष्म दुख की ही है। कभी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां धोखा देती है तो ये चेक करना है कि अंतर्मुखी हूँ। अंतर्मुखी सदा सुखी, वो खुश नहीं होगा, उसको कोई भी मायावी तूफानों की परवाह नहीं। अंतर्मुखी सदा हट, जैसी सागर की लहरें उठती हैं, वैसी खुशी की लहरें, जैसे ज्ञान सागर बाप वैसे मास्टर ज्ञान सागर। सर्वगुण संपन्न बनने के लिए अंतर्मुखता। सिर्फ मैं आत्मा हूँ यह सोचना नहीं, परंतु इस चीज पर चेत होना है। उसकी निशानी हर सतमुख रहेगा, समझेगा हमारे जैसा कोई नहीं। कोई कहते यह धारणा करना बड़ा मुश्किल है, हम तो अनेक बार ऐसे बने हैं। देखो जैसे जो काम अन्न दृष्ट द्वारा किया हुआ होता है उसके लिए कहते हैं यह काम तो हमारे साझे हाथ का है, यह काम तो हमारे हाथ से निकला हुआ है। ऐसे ही वो हाथ से निकला हुआ काम है, यह उद्धी से किया हुआ है। जो अनंत किया है वो तो सहज होता है, वो मुश्किल नहीं होता। बाबा ने रत्न में एक हस्ती की बात सुनाई, मैंने अपनी रचना खुद ही रखी, लाद कोद मैंने किया तो वो लाद कोद बच्चे मेरे को दिखाते हैं। सत्य चेता में भी मेरे बच्चों में लाद कोद के संस्कार एक ही जन्मों के लिए थे। गात्र में भी भगत रूप में भटके नहीं, लाद कोद में रहे, फिर जागी लाद कोद से की, संगम रूप भी लाद कोद, तो दुवत लाद में भी बस बना। खास तुम्हारों के लिए आँखें धोखा देती है, उस पर खबरदारी रखनी है। आँखों के लिए दादा क्या गले संग देते हैं, शरीर को नंदे आत्मा को देखो। जैसे हम कोई मंदिर में जा मूर्ति को न देख खिड़की कोई देखे तो यह खिड़की कितनी अच्छी है, तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ भी
शरीर रूपी सांस को न देख आत्मा रूपी वही को देखो। अच्छा, अब दूसरे दिन की ताकत है कायदा वायदा फायदा क्या करना है। अभी के समय सलमान अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट है। संतुष्ट किस बात में होना है? मनसा की स्टेज कौन सी, वाचा की स्टेज और कर्मा की स्टेज कौन सी होनी चाहिए? चौथा, दैवी परिवार से संबंधित कैसा होना चाहिए? दूसरा दावा कहता है अपना चार्ट रखो, जिसमें यह देखो बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न देखो, इस पर भी अपनी चेकिंग करो। संप्रत में चाहे लोक संबंधी हो चाहे दैवी परिवार के हो, कोई ने कहा ऐसे न करो ऐसे करो, सबको संतुष्ट किया सुख दिया। अज्ञानी कहते हैं शादी करो, हम नहीं करते, वो बात और है। तभी यह कहते कि हमारे कोई गुण कारण कोई दुखी तो नहीं हुआ। कुमारों को दृष्टि की जिम्मेदारी नहीं, अपने पांव पर खड़े हैं, परंतु एक बोझ है संसार पर चिंतन का। आपस में टोली बनाए एक दो को बातें सुनाते यह भी बोझ है। एक तो यह चेक करो कि सारे दंगे यह तो नहीं करते। दूसरा, व्यर्थ संकल्प चलाना, व्यर्थ संकल्प चलाने वाले को अनुमान करने का भी स्वभाव होता है। अनुमान के स्वभाव का ही तो ये सारा रामायण बना है। एक तो चिंतन दूसरे से करते, दूसरा अपने से भी चिंतन होता है, ये ऐसा है वैसा है। एक अनुमान दूसरा शक का शिकार न बनो, शक होगा तो शुभ भावना न होगी। जैसी दृष्टि शक की तो सृष्टि भी ऐसी दिखाई देगी। पहली बात कि आप जिसकी जो बात है उसको दुख, जब जिस कमजोरी को कोई छोड़ रहा है उस कमजोरी को हम ले रहे हैं, वो तो ऐसे हुआ जैसे कूड़े को अंदर तिजोरी में सजाते रहना, तो उसका कूड़े से क्या होगा? एक अवगुण से कितने अवगुणों की बदले फैल जाएंगी? तो किसकी कमजोरी की बात अपने चित्त पर नहीं रखनी चाहिए। कभी भी किसके प्रति यह भावना नहीं रखो कि ये है ही ऐसा। जब समय का भी ज्ञान है कि ये समय परिवर्तनशील है, जब जल समय परिवर्तनशील है तो चैतन परिवर्तनशील न होगा, और जब वो सामने आएगा तो उसके प्रति भी संकल्प चलेंगे। कहीं दादा के आगे ये कहते हैं दादा हमारी ये बीमारी पुरानी है कथ की गई, तो ये पुरानी बीमारी बने क्योंकि, और देखो पुरानी बीमारी का ऑपरेशन करने का दर्द भी होता है, इस कारण ऐसी कोई बात न करो जिसमें अपना भी अकल्याण और सतगुरु की निंदा छोड़ न पाएंगे। कर्मों की दोस्ती रखने के भी संस्कार होते हैं, परंतु दोस्ती किस प्रकार की दोस्ती नहीं, ऐसे संस्कार वाला हर जंप दे सकेगा, प्रवृत्ति वाले से भी हर जंप दे सकते हैं, संस्कारों के बोझ वाला हर जंप दे न सकेगी। ये संस्कार खत्म कर जाओ, ऐसे बदल कर जाना है। रूप में का संस्कार भी नहीं होना चाहिए। बच्ची माना गलना मिटना जलना और कुछ भरना, तो जो बोझ है जो सुनाया उसको निकालना है। युद्ध पार्टी में शक्ति है, उस शक्ति को इस साधना के कार्य में लगाओ। बुद्धि तो विशाल है, उस विशाल बुद्धि को ज्ञान में चेंज करो। तो आज कितनी बातें सुनाई, एक अनुमान न हो, दूसरा शक्ति सुधार, तीसरा परचिंतन, चौथा ईशा, पांचवा बीती हुई बात का संकलन चलाना। मूर्ति गलतियाँ तो नजरों में आ जाती है, परंतु वही गलतियाँ नजरों में नहीं आती। तो यहाँ भी कोई कहेगा मैं सचिंतन तो नहीं करता, कहना मोटा रूप वैसे सूचक रूप,
क्रोध होता है कि रोग मंद रूप, मंद रूप तो है ना। कोई कहे रोग तो प्रश्नति है परंतु वंश टूटता है, रोग का काज बजाने में भी ठीक नहीं आना चाहिए। कभी घोड़ा तो आ गया, एक बीड़ी पीने वाला और हजार बीड़ी पीने वाले को भी बीड़ी पीने वाला ही तो कहेंगे। तो सभी कमजोर की बुद्धि की युक्ति है, एक तो सुना दुर्ग है और उनके साथ सब में गुरु भी दुर्ग होते हैं। जिसने भी आत्मा को दादा में निमित्त बनाया उसमें विशेषता जरूर होती है। सौ अग्र हो परंतु एक दो गुण होगा तो सौ अग्र को निर्देश एक गुण को देखो। दत्तात्रेय ऋषि गुण उठाओ, दादा दत्तात्रेय तो तुम भी दत्तात्रेय, चाहे जड़ चाहे चेतन सबसे गुण उठाओ। अज्ञानी से भी गुण उठाओ, अज्ञानी माना जो एक कारणवश काम करे तो वो अपने काम में कितना एक्यूरेट है, तो यह अज्ञानी अपनी अज्ञानता में परफेक्ट तो हम भी अपने ज्ञान के स्थिति पर परफेक्ट रहे। जिस समय तुम अज्ञानी से गुरु उठाएंगे तो वो हो गया गुरु, तो गुरु के आगे आप छुप जाएंगे अर्थात नम्रता में आ जाएंगे। तो गुरु बनाने से जो आप में ईर्ष्या अहंकार आदि है वो सब निकल जाएगा। इस रीत उस आत्मा का भी कल्याण तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। दादा ने कहा तुम हो महादानी वरदान, जो दानी होता है वो लेकर देने यानी सोचेगा, वरदानी कभी किसकी कमजोरी को न देखेगा, कमजोर को बलवान बनाएगा। तो आप हमें समझो हम वरदानी है, हरि के पुत्र कल्याण की कामना और शुभ भावना रहे। तो जब दो गई है तो ईर्ष्या अनुमान आज यह सब खत्म हो जाएगी, उन्हों को तो लग जाएगी। पृथ्वी में यह तीन बातें कायदा वायदा फायदा ये सब करके जाना है। आज का दिन कहेंगे सुपन करने का दिन, समापति का दिन, जो भी हम सभी में काने अकाने पुरुषार्थ की कमजोरों कारण कुछ अच्छा पूर्णता रह गई थी, इस पृथ्वी में संयोगी बनते हुए दृढ़ संकल्प करके संपन्न करना। संकल्प है बीज बोने भर दिया, बीज बोने बाद पानी धूप न देवे तो समय फल तो ठीक नहीं निकलेगा। संगठन में होते हुए तो एक दो को देख उन्नति को पाना, इसलिए बार बार अटेंशन और चेकिंग की धूप व पानी नहीं देते तो उसका फल नहीं निकलता है। कई कहते हम बुद्धिमान है, परंतु ऐसा बुद्धिमान भी किसने बनाया, मैं समझदार हूँ, अरे ऐसा समझदार भी किसने बनाया। दादा वर्ल्ड का नॉलेजफुल है, उतना ही वर्ल्ड का सर्वन, जितना नॉलेजफुल उतना निर्माण। अगर आपको कोई समझदार नहीं समझता तो न समझे, और समझदार कभी छुप सकता है क्या, हीरा छुप सकता है क्या, कैसा भी लो पर तकिया हो जाएगा। तो जो भी संकल्प होती बीजको अटेंशन और चेकिंग फ्रीडम का ठीक ठीक पानी चाहिए, इस बीज को जितना फलीभूत करेंगे उतना अच्छा है। अलंकार का सुख सीता कर लिया तो सुनाकार के अविनाशी नशे खत्म हो जाएंगे। तो इस दृढ़ संकल्प को दृढ़ संकल्प समय अविनाशी बनाना है। दादा ने एक महामंत्र दिया है कि सुबह अपने सुचिंतन में रहो, स्वयं के प्रति सुचिंतन, दूसरे प्रति शुभ चिंतन, ये मंत्र याद है तो सभी शांत सुखी रहेंगे, हमारे द्वारा और भी सुखी शांत रहेंगे। ओम शांति।